तो हेलो गाइस, तो क्या आपको भी अपने GT5 में कार्स के टायर इतने चौड़े करने हैं या इतने मतलब बड़े करने हैं? भाई देखो कितने मैसिव लगते हैं, एक नंबर के लगते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको बस क्रोम पे जाना है, जो मैंने लिंक दिया उसको ओपन कर लेना। और भाई ये वी स्टांसर का लिंक है, मतलब ये एक ऐप टाइप का, उसमें जैसे मोड है ये उसका एक, तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप, कहीं भी इसको सेव कर लेना। इस फाइल का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं इसको सीधा वहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर आपको इस जाना है फाइल में, इसको भाई एक्सट्रैक्ट कर लेना यहीं पे। जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगा आपको ये हटा देना है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे ये खोल लेना और इसको कर लेना यहाँ पे राइट साइड। और ये भाई अभी एक वीडियो की एडिटिंग चल रही है इसलिए ऐसा आ रहा है यहाँ पे। और अब अपनी यहाँ पे दूसरी साइड GTA 5 की डायरेक्टरी खोल लेनी है हमको। मैंने स्टीम से डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टीम का कहाँ पे मिलेगा, ये देख लो। तो यहाँ पे जाके आपको ये दोनों कॉपी कर देना है। इधर मैंने कॉपी किए हुए हैं इसलिए मैं अब कर नहीं रहा, चलो कर ही देते हैं। ये देखो मैंने दोनों चीज यहाँ पे कॉपी कर दी है। अब हमको जाना है अपने गेम के अंदर, आपका मोड यहाँ से खत्म हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस अपना गेम ओपन करना है। तो भाई जल्दी से मैं गेम ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आपको वी स्टेंसर यूज़ करना है। भाई बहुत इजी है ये यूज़ करना, पर आपके में पीसी में इसके लिए पहले से मोड्स इंस्टॉल होने चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। मतलब ओपन आई वी जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बिना भाई ये वर्क मुश्किल करेगा। मैंने ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर सकते हो, पर ओपन आई वी इंस्टॉल कर लेना इसके लिए बस। तो गाइज अपना गेम ओपन हो चुका है, तो आपको कोई भी मतलब अपनी कार ले लेनी है यहाँ पे। मैंने मोड डाल रखे तो मैं उसके थ्रू एक कार ले लेता हूँ यहाँ पे। पहले वेदर चेंज कर लूँ भाई, व्हीकल ऑप्शंस में जाके स्पॉन कोई भी एसयूवी ले लेते, क्योंकि भाई इसके टायर बड़े करने में मौका आएगा। ये देखो जैसे हमें एम्बेलर, ये मतलब रेंज रोवर टाइप की है थोड़ी, कि भाई व्हील्स चेंज करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि वो है इसकी थोड़ी दिक्कत आ रही है व्हील्स में। ये देखो इसके कस्टम व्हील्स ले लिए हमने, जो मतलब इसके बिल्कुल साथ आते हैं। तो गाइज आपको आपके जो व्हील्स है वो चेंज करने पड़ेंगे, ये स्टॉक व्हील्स के साथ काम नहीं करता कभी भी। तो हमको जाना पड़ेगा व्हीकल ऑप्शंस में और भाई मेन्यू कस्टम्स, और यहाँ पे जाके हमको व्हील्स में जाना है। यहाँ से हम कोई भी मतलब एसयूवी वाले कोई भी व्हील ले लो आप, आपकी मर्जी है। ये देखो कोई भी व्हील ले लो, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये व्हील ले लिया मैंने। अब मैं दबाता हूँ एल के राइट साइड वाला बटन दबाना आपको, मैंने दबा दिया। हमको जाना है यहाँ पे टायर्स में, फिर हमको जाना है विड्थ में। ये देखो कितने चौड़े टायर हो गए, क्यों कैसे लग रहे हैं। और ये व्हील साइज है, इससे मतलब और बड़ा ऊंचा होगा एक टायर। ये देखो हो गए भाई, चारों टायर हमारे एक जितने बड़े हो रहे हैं यहाँ से करोगे तो। अगर ऊपर से करोगे तो एक आगे पीछे के अलग अलग होंगे। और ये भाई सस्पेंशन मेन्यू, इसमें मतलब आपको अपनी कार आगे पीछे करनी है, ऊपर नीचे करनी है। ये देखो इससे मतलब टायर बाहर अंदर हो जाएंगे, कितने बाहर निकालने कितने अंदर करने हैं वो ये डिसाइड करता है यहाँ से सस्पेंशन मेन्यू में हो। और हाइट आप इससे बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। ये देखो मैं जैसे कि भी बढ़ा रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि हमारे टायर बहुत बड़े हो चुके हैं भाई। ऐसे ही मैं पीछे की साइड की भी कर देता हूँ। ये देखो भाई, अब भाई हमारी कार के टायर तो बिल्कुल चौड़े हो चुके हैं। ये देखो अब इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको चलाने में, पर हाँ जैसे कि आप रिकॉर्डिंग करोगे रॉकस्टार एडिटर में जाओगे तो आपको ये टायर्स नहीं दिखेंगे इतने वाइड। अगर आपको उसमें भी टायर वाइड चाहिए तो उसके लिए एक अलग से मोड है, मतलब उसमें आपको कार को एडिट करना पड़ेगा। अगर आपको वो मोड चाहिए तो बता देना, मैं उसकी वीडियो ला दूंगा। वो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, 10 से 15 मिनट के बीच में होगी, पर भाई वो मतलब वर्थ है। आपको एक बार उसमें करना है, फिर आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो कार आप जब भी स्पॉन करोगे वो हरदम वैसी आएगी। वो मोड भाई एक नंबर का है। तो गाइस ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।